आईओसी टॉपिक को लेकर कंप्लीट किया था, दैट इज इंटरेस्ट इन कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऑफ सोलर्स का फॉर्मेट कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक नेक्स्ट आइटम को लेकर जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होता है यह आप सबको पता है। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए चाहे वो कैश हो चाहे गुड्स हो कुछ भी विड्रॉ करता है वो क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स कहलाएगी। अब जब पार्टनर ड्रॉइंग्स करेंगे तो फर्म उसे क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इस बार अपन क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ड्रॉइंग्स का मतलब, मैंने आईओसी के अंदर भी क्लियर किया है, वापिस मैं बस समझाता हूँ। अगर मैं सिर्फ ड्रॉइंग्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ड्रॉइंग्स की बात करता हूँ, तो ड्रॉइंग्स क्या कहा जाता है, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। ना आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्रॉइंग्स होती है उस पे आईओडी चार्ज होता है, जो आउट ऑफ कैपिटल होता है उसे कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं इसे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, अगर मींस ड्रॉइंग कौन सी हो रही है आउट ऑफ कैपिटल, विच मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो आप क्या बोलोगे इसे, ये कहां यूज होगा, आईओसी के अंदर यूज होगा। कहां यूज होगा, आईओसी में, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल रहता है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल रहता है तो उसका यूज क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते टाइम करेंगे। इस तरह से आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करता हूं तो ड्रॉइंग्स अगर आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोलेंगे जो कंपनी ने पैसा अर्न किया है, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट के साथ क्या कर रहे हो, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो या गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं, और इसके ऊपर क्या निकलेगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मींस अगर आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ विड्रॉ होता है तो उसमें कैलकुलेट करेंगे, आईओडी कैलकुलेट करेंगे। अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है तो उसमें कैलकुलेट करेंगे, आईओसी कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फर्म जब आईओडी चार्ज करती है, फर्म आईओडी चार्ज करेगी तो फर्म के पास पैसा आएगा, तो इट इज एन इनकम। फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और आउट ऑफ कैपिटल जब हम आईओसी देते हैं, ठीक है, आईओसी देंगे तो क्या होगा, फर्म के लिए पैसा जाएगा, फर्म के हाथ से पार्टनर्स के पास जाएगा, फर्म के हाथ से जाएगा पैसा, तो मिलेंगे एक्सपेंस। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहीं पे पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आईओडी पार्टनर्स को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और यहाँ पे पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई थी उसके बदले फर्म उनको दे रही है, क्या दे रही है, फर्म उनको, फर्म उनको पैसे दे रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम है। क्या है, इनकम। ओके, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर आप नया टॉपिक देखेंगे कि ड्रॉइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम सीखेंगे कि आईओडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे आज इस बारे में पढ़ेंगे अपन। आईओडी कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। आईओडी कैलकुलेटर तीन तरीके से कर सकते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। नाउ आज हम इस दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज कब किया जाता है? जब कोई ड्रॉइंग्स फिक्स अमाउंट की नहीं होती, इक्वल अमाउंट की नहीं होती और जिस टाइम जो तो उसी टाइम करने का फिक्स इंटरवल नहीं है, मींस कभी हमने 10,000 रुपए निकाली, कभी 5,000 निकाली, कभी जरूरत पड़ी तो 8,000 रुपए निकाली। जब जरूरत पड़ी, जैसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं, एक पहले मान लीजिए 1 अप्रैल को 10,000 निकाल लिया, ठीक है, फिर 30 जून को निकाल लिया 5,000 रुपए, फिर 1 दिसंबर को 8,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है, फिर 31 जनवरी को 15,000 रुपए निकाल लिए। Means, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ड्रॉइंग्स को अमाउंट को लेकर या ड्रॉइंग्स की डेट को विड्रॉ को लेकर। तो अगर ना तो अमाउंट इक्वल है ना ही डेट में कोई फिक्स इंटरवल है, जब इच्छा हो रही है या जब जरूरत होती है तभी निकाला जा रहा है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे? तो क्या कब यूज करते हैं? When ना तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इक्वल है ना ही टाइम इंटरवल इक्वल है बिटवीन द ड्रॉइंग्स, ठीक है, गैप इक्वल नहीं है। जैसे कि एक एक महीने गैप में निकाल रहे हो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में निकाल रहे हो, मिड ऑफ द मंथ में निकाल रहा है या एंड ऑफ द मंथ में निकाल रहा है, फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस सिनेरियो में हम सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, ओके, नोट डाउन करेंगे, देन कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। So, this is the question.
Now question says that ROC is a partner of firm and withdraws the following amount. Calculate IOD at 10% per annum. And आपको dates दे रखी और amounts दे रखा है कि कब कब withdraw कर रहे हैं. देखिए 1 मई को 10,000 का withdraw किया गया, फिर 1 जून को 5,000, फिर 30 सितंबर को 20,000 की withdraw किया, फिर 1 दिसंबर को 30,000 की withdraw किया, then 31 जनवरी को 4,000 रुपीस विड्रॉ किया. Now you can see कि अमाउंट इक्वल है नहीं, कभी 10,000, 5, 20, 30 जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे विड्रॉ. और कोई डेट में फिक्स है कि 1 मई को किया, जैसे 1 जून को किया, फिर 30 सितंबर को किया, 1 जुलाई को नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग मंथ में नहीं कर दी, फिर 1 दिसंबर को कर लिया, फिर 31 जनवरी को, तो कोई भी टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है. तो जब टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है तो या तो हम सिंपल मेथड लगा सकते हैं या फिर हम प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं. नो सिंपल मेथड क्या कहता है, सिंपल मेथड कहता है कि जिस दिन आपने विड्रॉ किया पैसा या जिस मंथ किया उस मंथ से एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का टाइम कितना है. जैसे कि पहला 1 मई को विड्रॉ किया 10,000 रुपीज, अब 31 मार्च ठीक है खत्म होगा साल नेक्स्ट ईयर, तो कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स. कैलकुलेट कर ले मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, टोटल 11 मंथ्स हो गए. तो पहले मैं कहूंगा हर किसी का अलग से, हर एक अमाउंट जो विड्रॉ किया है उनका अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, सिंगल हर किसका सिंगल इंडिविजुअली क्या करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. 10,000 × 11 पर या पहले परसेंटेज लेते हैं 10/100 × 11 months/12. क्लियर है. नेक्स्ट जून 1 को विड्रॉ किया 5,000, अब कितने मंथ रिमेनिंग रह गए, 31 मार्च होने में, अप्रैल और मई जून में स्टार्ट किया, दो महीने निकाल दो 12 में से, तो × 10/100 तो सब में कर दूंगा एक बार, ये तो परसेंटेज है जो आईओडी चार्ज करेंगे. क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है. ओके नाउ क्या करना है, रिमेनिंग मंथ 10/12, 30 सितंबर को विड्रॉ कर रहे हैं तो कितने मंथ्स बच जाएंगे, 6 मंथ × 6/12. 1 दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4/12 एंड 31 जैन कितने महीने बच जाएंगे, 2 मंथ × 2/12. सब पर कर लेंगे इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, नोट डाउन कीजिए और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए. And it will be equal to clear. तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हमने क्या किया इंडिविजुअली सबके लिए कैलकुलेट कर दिया. ओके टाइम का हमें तो मैथमेटिक्स सिखाना नहीं है, ठीक है, तो यू कैन यूज आपने सबकी मैथमेटिक्स 11 12
मैं 11th का मैथ्स होगी, बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो मई जून सितंबर फर्स्ट ऑफ दिसंबर 31st जैन में आपने जैसे से विड्रॉ किया उन सब का इंडिविजुअली हमने क्या करा, इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एंड टोटल कर दिया एट दी एंड। तो टोटल इंटरेस्ट आईओडी कितना बन गया, 4001 रुपीस। ओके क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अपन प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो जब आप लोग क्लियर हो जाएगा कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से आंसर सेम आता है, ओके, एंड किस तरह क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बोलता है सिंपल मेथड तो सिंपल कर देंगे, प्रोडक्ट बोलता है प्रोडक्ट कर देंगे, पर यूज कब करते हैं समझ में आ गया। अगर अमाउंट इक्वल नहीं है और डेट भी इक्वल नहीं है, इंटरवल भी इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड का यूज करोगे। नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करके देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। प्रोडक्ट मेथड में ये करना सबका एक साथ टोटल करके और फिर एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मींस हम क्या करेंगे इंडिविजुअली जो सिंपल मेथड में हर बार इंटरेस्ट निकाल लेते हैं वन से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग मंथ से। तो मल्टीप्लाई कौन सा मेथड ले रहे हैं अपन, प्रोडक्ट मेथड। रिमेनिंग मंथ्स फर्स्ट ऑफ मई को विड्रॉ किया, अभी पता सिंपल किसको निकाला मंथ्स निकाले थे, सेम वही करना, कितने मंथ्स रह गए 11, क्या कंप्लीट होने में 31st मार्च कंप्लीट होने में, इसमें कितने रह गए थे 10 मंथ्स 6 दैट इज 4 मंथ्स एंड दैट इज 2 मंथ्स। क्लियर है, दिसंबर में दिसंबर जैन फेब मार्च, क्योंकि फर्स्ट ऑफ दिसंबर को किया था इसलिए पूरा दिसंबर कैलकुलेट करेंगे, 30th सितंबर को किया इसलिए अक्टूबर से कम हो गया, तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ, क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, इट विल बी 110,000 50,000 120 एंड 80,000। क्लियर है, क्या करा हमने अमाउंट को रिमेनिंग मंथ से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 इनटू 11 110, 5,000 इनटू 10 50, 20,000 इनटू 6 120, 30 इनटू 4 120, 40 इनटू 2 80। क्लियर, क्या कर देना इसका टोटल, क्या कर देना टोटल कर देना, ओके सिग्मा समेशन यूज करते हैं मींस टोटल कर देना, करिए 2 लाख कितना हो गया 160 एंड 120 280 3 4 एंड 4 लाख 80,000 कितना हो गया 4,80,000। क्या करना है पॉलिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4,80,000 टोटल अमाउंट है मल्टीप्लाई करने में इनटू कितना परसेंट आईओडी 10 इनटू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना जब आप आईओडी प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हो, कौन से मेथड से प्रोडक्ट, टोटल करने के बाद इंटरेस्ट का परसेंटेज लगाने के बाद 1/12 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है 1/12 लगाना, मींस अगर आप क्वालिटी का 10% निकाल दोगे कितना आएगा 48,000 और सिंपल मेथड में कितना आया था 4001 48,000 प्रोडक्ट मेथड में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया ना, आपने विड्रॉ कितना किया 40, 30, 70, 90 वालों का विड्रॉ किया उसके लिए 48,000 का इंटरेस्ट दोगे तो कोई नहीं लेगा, तो जैसे ही करोगे गलत हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 1/12 का यूज करोगे। सॉल्व करिए इसको,
राउंड अप्रोच करेंगे तो दैट 4000 और सिंपल मेथड में क्या आया था 4000 1 आया था वो क्यों हुआ था क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स का आंसर आया था 66.6 आया था मतलब 667 ले लिया उसने ठीक है तो अगर आप 6666 ले लोगे उसको कॉल में कवर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा 4000 वो भी हो जाएगा क्लियर है तो आपने देखा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से आंसर सेम आएंगे क्लियर है ओके नोट डाउन दिस नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करना है एंड आईओडी के दो टॉपिक कवर करेंगे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड नोट डाउन दिस आईओडी कैलकुलेट करना है 9% पर एनम से क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा मैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों सॉल्व करना है आपको इसका आंसर निकालना मैं बता दूं आपको कैसे निकालना है कैसे सॉल्व करना है ठीक है तो आज हमने आईओडी समझा आईओडी क्या होता है आईओडी के अंदर दो टॉपिक समझे थे दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट अगर हम इसको एक्सप्लेन करें दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल देन फर्दर हमने एक्सप्लेन किया आईओडी निकालने के तीन मेथड्स होते हैं प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड एंड फॉर्मूला मेथड टू जो स्टार्टिंग के दो मेथड्स थे सिंपल प्रोडक्ट वो कब यूज करते हैं आपको समझाया उसके बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन किया और फिर एक क्वेश्चन आपको दे दिया नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला मेथड समझाऊंगा एंड वी विल एंड विद दिस टॉपिक ओके आपको दो वर्कशीट पोस्ट गई होगी एक अकाउंट्स की और एक बीएसटी की वर्कशीट पोस्ट गई होगी बीएसटी की वर्कशीट के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट बेसिस में अगर आपने वीडियोस कल से लेक्चर्स को अच्छे से सुना होगा कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किए होंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे अकाउंट्स में कुछ मैंने आपको भेजा है एक पीएल प्रिपरेशन बनाने का भेजा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भेजा है आईओडी के क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं और फर्दर वर्कशीट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं लेक्चर्स को सुन रहे हैं ध्यान से समझ रहे हैं तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे और अगर आपने मिस किए लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और उसके बाद अगर वर्कशीट सॉल्व करके ही दूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा क्लियर है तो आप लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए नोट डाउन कीजिए एंड देन